सुधामयी सर्वसमर्थ पावनी अहेतुकी कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करे जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर प्रतिपुष्ट हो जाए। आप देखिए और गंभीरता से विचार कीजिए इस बात पर कि जब आपका हृदय किसी के दुख से भर जाता है तब आपके हृदय में करुणा का रस बहने लगता है, और जब आप किसी सुखी को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं तब आपके जीवन में एक प्रसन्नता छा जाती है। सच्ची प्रसन्नता सुखियों को देख कर ही मिल सकती है, सुख भोगने से नहीं मिलती। सुख भोगने से तो भोगने की शक्ति का ह्रास होता है और भाई भोग्य वस्तु का विनाश होता है। भोग्य वस्तु का विनाश और भोगने की शक्ति का ह्रास, ये भोग की बात है। परंतु जब हम सुखियों को देखकर प्रसन्न होते हैं तो न तो भोगने की शक्ति का है न तो शक्ति का ही ह्रास होता है और न भोग्य वस्तु का ही विनाश होता है, अपितु बिना ही भोगे भोग से भी अधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस दृष्टि से यह निर्वाह सिद्ध हो जाता है कि भाई सुखी का कर्तव्य है सेवा, सुखी का कर्तव्य सेवा है। और सेवा जो है वो क्या है कि सेवा है दुखियों के दुख से दुखी होना और सुखियों के सुख से प्रसन्न होना, यानी करुणा और प्रसन्नता का जीवन में जो आ जाना है उसी का नाम सच्ची सेवा है। देखिए सेवा का अर्थ ये भी नहीं है हम जिसकी सेवा करते हैं वो हमारा अपना नहीं है, अथवा जिन साधनों से हम सेवा करते हैं वे उसके नहीं है जिसकी हम सेवा करते हैं। अगर किसी वस्तु को हम अपना मानकर सेवा करते हैं तो उसका अर्थ सेवा नहीं है, उसका अर्थ है पुण्य कर्म। पुण्य कर्म और सेवा में एक बड़ा अंतर यह है कि पुण्य कर्म जो है तो उसका आरंभ होता है कामना से, और जिस प्रवृत्ति का आरंभ कामना से होता है उसका परिणाम भोग होता है, उसका परिणाम करुणा नहीं होती, उसका परिणाम प्रसन्नता नहीं होती, और भोग का परिणाम सदैव रोग होता है। क्योंकि ऐसा कोई भोग है ही नहीं जिसका परिणाम रोग न हो, ऐसा कोई भोग है ही नहीं जिसमें जड़ता न हो, ऐसा कोई भोग है ही नहीं जो हमें पराधीन न बना दे। भोग प्राणी को पराधीनता में जड़ता में आबद्ध करता है, परंतु सेवा पराधीन नहीं बनाती, जड़ता में आबद्ध नहीं करती, अपितु एक चेतना प्रदान करती है। सेवा जो है वो हमें स्वाधीन बनाती है, पराधीन नहीं बनाती। सेवा जो है वो हमें जड़ता से चेतना की ओर ले जाती है, अशांति से शांति की ओर ले जाती है, पराधीनता से स्वाधीनता की ओर ले जाती है, और असत्य से सत्य की ओर ले जाती है। इस दृष्टि से सेवा बड़े ही महत्व की वस्तु है। परंतु भाई हम सेवा उसी अंत में कर सकते हैं जिस अंत में सुखी है, अर्थात सुखी का साधन सेवा है। इसका तात्पर्य को ये न समझे कि जो सुखी नहीं है वो साधक नहीं हो सकता, साधक तो वो नहीं हो सकता है, लेकिन दुखी होने पर उसका साधन है त्याग और सुखी होने पर साधन है सेवा। इससे ये सिद्ध हुआ कि सेवा और त्याग के द्वारा हम सुख की दास्ता और दुख के भय से मुक्त हो सकते हैं। अब आप विचार करें और गंभीरता से विचार करें कि सुख की दास्ता और दुख का भय का नाश होना ही क्या सदगति नहीं है, क्या स्वाधीनता नहीं है, क्या मुक्ति नहीं है, क्या अध्यात्म जीवन नहीं है? अध्यात्म जीवन और क्या है? अध्यात्म जीवन तो वही है ना कि जिसमें सुख की दास्ता न हो और दुख का भय न हो। परंतु प्रार्थना यही समाप्त नहीं हो जाती, इससे आगे भी एक बात कहती है। आप सोचिए
कि जब सुख की दाता हमारे आपके जीवन में नहीं होगी, जब दुख का भय हमारे आपके जीवन में नहीं होगा, तब क्या होगा कि जो सुख की दाता और दुख के भय से मुक्त है उसमें अहम भाव नहीं रह सकता, अहम भाव नहीं रह सकता। और जहाँ अहम भाव नहीं रह सकता वहाँ भेद नहीं रह सकता, और जहाँ भेद नहीं रह सकता वहाँ योग और बोध अपने आप हो जाएगा। क्यों? भेद न तो दूरी को रहने देता है और न भिन्नता को रहने देता है। तो भाई जिससे हम प्रार्थना कर रहे थे, जो हमारा अपना है और उससे हमारा योग भी हो जाएगा और उसका हमें बोध भी हो जाएगा। क्यों? सुख की दाता और दुख के भय का नाश होते ही सीमित अहम भाव का नाश हो जाएगा। यही अध्यात्म जीवन है। इससे ये सिद्ध हुआ कि प्रार्थना का जो दूसरा भाग सुख की दाता और दुख के भय से मुक्त होने वाली बात है, वो अध्यात्म जीवन की पूर्णता है। और सेवा और त्याग का ये बल की जो बात है, ये भौतिक जीवन की पूर्णता है। क्यों? भौतिक जीवन क्या है? समस्त विश्व एक है, ये भौतिक जीवन है। और दूसरे का दुख हमारा अपना ही दुख है, दूसरों का सुख हमारा अपना ही सुख है, इससे बढ़कर तो और कोई भौतिकता है नहीं। तो भाई भौतिकवाद कोई बुरी वस्तु नहीं है, परंतु भौतिकवादी का कर्तव्य क्या है, भौतिकवाद की पराकाष्ठा का क्या है? तो भौतिकवादी का कर्तव्य है सेवा और त्याग, सेवा और त्याग। और सेवा और त्याग का फल क्या है? सेवा और त्याग का फल क्या है? कि सुख की दाता और दुख के भय का नाश। तो जब सुख की दाता और दुख के भय का नाश हुआ तब क्या होगा? तब क्या होगा? स्वाधीनता, चिन्मयता, चिर शांति, अमरत्व, ये क्या है? अध्यात्म जीवन। तो जो भौतिकवाद का जो जीवन, भौतिकवाद की जो साधना है, उससे क्या हुआ कि अध्यात्म जीवन में प्रवेश हुआ। इस दृष्टि से भौतिकवाद और अध्यात्मवाद अलग अलग नहीं है, एक ही जीवन के दो पहलू हैं। भौतिकवाद ने कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ाया, तो अध्यात्मवाद ने अमर बनाया। हमको आपको अमरत्व की भी आवश्यकता है और भाई कर्तव्य की भी आवश्यकता है। इसलिए भौतिकवाद भी जीवन का एक अंग है और अध्यात्मवाद भी जीवन का एक अंग है, परंतु यही उद्देश्य की पूर्ति हो नहीं जाती। उसके बाद उस प्रार्थना ने बताया कि हम सेवा और त्याग का बल इसलिए मानते हैं, बोले इसलिए मानते हैं कि जिससे वे अर्थात सारा विश्व सुख की दाता और दुख के भय से मुक्त हो जाए। अब सुख की दाता और दुख के भय से किसलिए मुक्त हो जाए? तब उसने प्रार्थना की गई कि आपके पवित्र प्रेम का स्वादन। अब आप विचार कीजिए कि जिससे हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, जो हमारे अपने ही हैं, जिनसे हमारा नित्य संबंध है, उनके ही पवित्र प्रेम की प्रार्थना हम उनसे करते हैं। आप सोचिए कि जिससे हम प्रार्थना करने जाए और उसे कहें कि हम आपके पवित्र प्रेम को चाहते हैं, तो क्या प्रेम, अपना प्रेम किसी को अच्छा नहीं लगेगा? क्या अपना प्रेम देने में किसी को कठिनाई होगी? आपको मानना ही पड़ेगा कि प्रेम एक ऐसा अलौकिक तत्व है कि जिसके आदान प्रदान रसरूप है। प्रेम देने में भी रस है और प्रेम पाने में भी रस है। अब आप कहेंगे तो जब प्रेम का आदान प्रदान रसरूप है, तो फिर भाई प्रेम में तो कोई अपवित्रता नहीं होगी, तो आपने पवित्र प्रेम का विशेषण क्यों लगाया? इस संबंध में विचार करने से आपको एक बात पर ध्यान देना होगा कि भाई प्रेम, यद्यपि प्रेम अपवित्र नहीं है, लेकिन पवित्र प्रेम का विशेषण केवल इसलिए लगाया कि प्रेम के दो भाग होते हैं। प्रेम का एक भाग वो है कि जिसमें प्रेमी प्रेमास्पद की समीपता स्वीकार करके अपने रस को सुरक्षित रखता है, किंतु प्रेम का एक दूसरा भाग ये भी है कि प्रेमी प्रेमास्पद के रस की बात सोचता है, अपने सुख की बात नहीं सोचता। तो जहाँ प्रेमी प्रेमास्पद के रस की बात सोचता है, वहाँ प्रेम को साथ पवित्र प्रेम का विशेषण बनाया जाता है। यद्यपि प्रेम स्वरूप से अपवित्र नहीं है, पवित्र ही है, किंतु पवित्र प्रेम का अर्थ यह है कि प्रेम का वो भाग कि जिसमें प्रेमी प्रेमास्पद को रस देने की सोचता है। अब आप कहेंगे ये रहस्य हमारी समझ में नहीं आया, तो भाई इस रहस्य के समझाने के लिए कुछ प्रेमियों के चरित्र पर दृष्टि डालनी होगी। आप भले ही उसे कहानी माने, इतिहास माने, चरित्र माने, ये आपकी रुचि, लेकिन अपना तात्पर्य तो
केवल पवित्र प्रेम के समझाने के संबंध में है। तात्पर्य इस बात में नहीं है कि जो घटना आपके सामने निवेदन की जाए आप उस घटना पर विश्वास करें, आप उसको मान लें, ये तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य केवल इतना है कि उस घटना के द्वारा आप पवित्र प्रेम के वास्तविक रहस्य को जान लें। एक बार की बात आप है कि जब हमारे श्री नंद जी श्याम सुंदर को मथुरा पहुंचा कर वापस लौटे और मैया यशोदा ने देखा कि नंद जी आ गए पर उनके साथ कन्हैया नहीं है, तो यशोदा जी को कन्हैया के बिना नंद को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। और आश्चर्य ये हुआ कि लाला नहीं आए और नंद जी प्राण को लेकर आ गए। इस आश्चर्य से आश्चर्य होकर मैया यशोदा ने कहा कि हे नंद जी, लाला जब रामा अवतार में वन को गए थे तब महाराजा दशरथ ने लाला के वियोग में अपने प्राणों को नहीं रखा था और आप लाला के बिना आ गए और प्राण को लेकर आ गए। नंद जी ने कहा, ये तो भी तुम ठीक कहती हो कि रामा अवतार में महाराजा दशरथ ने लाला के वियोग में प्राणों को नहीं रखा था, परंतु यशोदे तुम्हें मालूम है कि जब लाला वन से लौटे थे तो उन्होंने महाराजा दशरथ के न होने का दुख अनुभव किया था। यशोदे, ये अभागी प्राण केवल इसलिए है कि लाला इस कही दिल्ली में आए और मेरे न होने का दुख अनुभव करें तो मुझसे सहन नहीं होगा। ये सब लाला के वियोग में असह्य वेदना है, पर मैं ये कह सकता हूँ किंतु लाला को मेरे बिना दुख हो ये मैं नहीं कह सकता। ये क्या है? पवित्र प्रेम। पवित्र प्रेम में प्रेमास्पद को रस देने की बात ही रहती है, अपने सुख लेने की बात नहीं होती। आप देखिए और विचार से देखिए कि जहाँ अपना रस है, चाहे प्रेमास्पद की सेवा ही का रस हो, चाहे प्रेमास्पद के दर्शन का ही रस हो, लेकिन अपने रस में और प्रेमास्पद के रस में कितना अंतर है। अपना जो रस होता है वो अपने अहम को पुष्ट करता है और अहम जो होता है वो भेद को जन्म देता है। जाति एकता होने पर भी, नित्य संबंध होने पर भी, आत्मीयता होने पर भी अगर किसी प्रकार का अहम रहता है, चाहे चिन्मय ही अहम क्यों न हो, नित्य ही अहम क्यों न हो, फिर भी किसी न किसी प्रकार का भेद ही में रहता है। तो भाई, इस दृष्टि से सोचने पर यह पता चलता है कि पवित्र प्रेम और प्रेम में और कोई अंतर नहीं है कि पवित्र प्रेम जो है वो प्रेमी के अहम को गलाकर प्रेम बना देता है। अर्थात प्रेमी का अस्तित्व नहीं रहता, अपितु प्रेम का अस्तित्व रहता है। तो प्रेमी के अस्तित्व से रहित जो प्रेम का अस्तित्व है, अरे भाई वही पवित्र प्रेम है। इस संबंध में अनेक प्रेमियों के चरित्र हैं। आप सोचिए एक बार नारद बाबा को मजाक सुना और उन्होंने श्री रुक्मिणी जी से कहा कि हे रुक्मिणी जी, तुम श्याम सुंदर की इतनी सेवा करती हो, इतना प्रेम करती हो, लेकिन ये तो जब देखो तब राधे राधे बेटा करते हैं, ये ब्रजवासियों को कभी नहीं भूलते हैं। रुक्मिणी ने कहा कि बाबा बात तो ठीक है, श्याम सुंदर कभी नहीं भूलते हैं ब्रज को। मैंने अनेक बार देखा है कि इनके 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 मन में राधे 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 ये ध्वनि निकलती ही रहती है। तो एक बिल्कुल प्राकृतिक नियम है कि जब किसी पत्नी के मन में ये बात आ जाए कि मेरे पति किसी और को भी प्रेम करते हैं तो उसके जीवन में उतना रस नहीं रहता। ये जब प्रेम के साम्राज्य में निरक्ता की गंध नहीं है, किंतु हमको जब बात सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो अपनी भौतिक दृष्टिकोण से समझना पड़ता है। तो भाई, जब देखा श्याम सुंदर ने कि नारद बाबा ने तो रुक्मिणी के मन में भेद पैदा कर दिया, और प्रेम में सब कुछ सहन होता है, परंतु भाई भेद नहीं सहन होता, विस्मृति नहीं सहन होती। प्रेम के साम्राज्य में भेद और विस्मृति का कोई स्थान नहीं है, सब कुछ प्रेम ही सह सकता है, लेकिन भेद और विस्मृति नहीं सह सकता। तो भगवान ने सोचा कि भाई नारद बाबा ने तो मजाक किया ही है, तो अब उनको भी तो धार्य करना है। तो भगवान एक दिन कहने लगे कि क्या बताए रुक्मिणी जी, आज हमारे सिर में बड़े जोर से पीड़ा हो रही है। आप जानते हैं, प्रिय की पीड़ा सुनकर सभी का हृदय अधीर हो जाता है। रुक्मिणी जी अधीर हो गई और कहने लगी, हे प्यारे, आपके सिर में पीड़ा हो रही है, तो आप कोई उपचार बताइए, क्या करें हम।
क्यों? क्योंकि प्रिय की जो पीड़ा है वो अपनी पीड़ा से अधिक वेदना देने वाली होती है। चांद तो कहेंगे रुक्मिणी जी उपचार तो है पर यहाँ औषधि कहाँ? महाराज आपकी द्वारिकापुरी में अशस्त्री नवदिद्धि निवास करती है, वहाँ औषधि नहीं मिलेगी। फिर चांद ने कहा रुक्मिणी जी यहाँ औषधि कहाँ? महाराज आप बताए तो सही क्या ऐसी औषधि है जो यहाँ नहीं मिलेगी। चांद ने कहा रुक्मिणी जी औषधि तो केवल इतनी सी है कि कोई हमारा प्रेमी होता और अपने चरण की रज यदि हमारे मस्तिष्क पर लगाए देता तो हमारी पीड़ा बंद हो जाती। सुनी नहीं कि प्रेमी तो हम देव की है लेकिन हमारा पति धर्म है, ये हमारे पतिदेव हैं, भला हम अपने पतिदेव के मस्तिष्क पर अपने चरण की रज लगाएंगे तो हमें नरक जाना पड़ेगा। तुम्हारा रुक्मिणी जी का साहस नहीं हुआ। नारद बाबा सोचने लगे कि प्रेमी तो हम भी इनके हैं लेकिन हमारा दास्य भाव है, अगर दास अपने स्वामी के मस्तिष्क पर अपने चरण की रज लगाएगा तो नरक भोगना पड़ेगा। तो नारद बाबा का भी साहस नहीं हुआ परंतु प्रेमी तो थे ही, प्रिय की वेदना से हृदय पीड़ित था ही। तो एक नियम ही है कि प्रेमी के हृदय में जब कोई समस्या आती है तो प्रेमी भी हो जाता है। तो नारद बाबा ने सोचा चलो भाई ब्रज में चले। अब ब्रज में आए, जब नारद बाबा ब्रज में आए तो वहां देखते हैं कि वहां तो सब प्रेम मूर्छा में बेहोश है। तो उन्होंने उनके प्रिय का नाम लेना शुरू कर दिया, श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। जो प्रिय के नाम की भनक प्रेमियों के कान में पड़ी तो थोड़ी चेतना आई, जब चेतना आई तो देखे के सामने नारद बाबा खड़े हैं। ये भी एक नियम ही है कि प्रेमी जब किसी प्रेमी को देखता है तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है, तो प्रसन्नता होकर कहने बाबा ढंडो बाबा ढंडो बाबा कहाँ से आए हो? नारद बाबा बोले आए कहाँ से रुपियो? आए तो हम ब्रज से है, घर का परिचय है, आए तो हम घर का परिचय है। तो जब प्रिय के धाम की नारा सुनी तो और चेतना हुई, तो रुपया हाथ को लेकर पूछने लगी कब हमारे प्यारे अच्छे तो है? उनने कहा अच्छे तो है पर तो ये जो संधि जनक बात सुनी तो प्रेम में बड़ा अनिश्चित रहता है। मुझे बाबा आप कैसी पर करते हो, आप ठीक ही बताओ कि हमारे प्यारे अच्छे तो हैं? उनने गोपी अच्छे तो हैं पर उनके सिर में पीड़ा होती है। तो जो ये सुनी कि हमारे प्यारे के सिर में पीड़ा होती है तो गोपी आकुल हो गई और आकुल कहने लगी कोई भाव उपचार करने वाला नहीं है? उनने कहा गोपी उपचार करने वाला तो क्या है, औषधि न मिले। बोले ऐसी कौन सी औषधि है जो न मिले आप बताओ तो सही। बोले गोपी अब क्या बताएगा कि औषधि मिले ही ना है। क्यों वो सोच ही नहीं सकते थे, वो सोच ही नहीं सकते थे। उनने कहा आप बताओ तो सही बाबा ऐसी कौन सी औषधि है? बोले औषधि तो ये है कि कोई प्रेमी अपने चरण की रख दे तो उनकी सिर की पीड़ा दूर हो। बोले बाबा जाओ 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 भी जाओ, जाओ और जितनी चाहो उतनी ले जाओ, जाओ जल्दी जाओ। देखिए गोपियो नहीं जानती हो कि श्याम सुंदर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन है और तुम उसके बच्चे को अपने चरण के लगाओगी तुम्हें नर्क भोगना पड़ेगा। बोले बाबा एक जन्म नहीं अनंत जन्मों तक नर्क भोग सकती है पर प्यारे की पीड़ा नहीं कर सकती। कहने का तात्पर्य क्या, यह पवित्र प्रेम, पवित्र प्रेम में प्रेमास्पद को रस देने की ही उत्कट लालसा रहती है। प्रेमास्पद का रस यदि अलग होने में है तो वियोग की वेदना प्रेमी सह सकता है, प्रेमास्पद का रस मिलने में है तो सब कुछ तो मिल सकता है लेकिन जिसमें प्रेम आस्पद को रस हो वही पवित्र प्रेम है। इस दृष्टि से अगर आप विचार करके देखें तो पवित्र प्रेम का अर्थ क्या हुआ कि प्रेम आस्पद को रस देना। अब आप विचार करें और गंभीरता से विचार करें कि भाई जो सब प्रकार से समर्थ हो पूर्ण हो है उसको रस के लिए दिया जाए। रस तो भाई तब न मिलता है कि जब किसी की में किसी प्रकार की कमी हो उसको पूरा किया जाता दिया जाता है। तो भाई कमी के पूरे करने वाला जो रस होता है वो प्रेम का रस नहीं होता, वो भोग का रस होता है। तो भोग के रस में और प्रेम के रस में एक बड़ा अंतर होता है। भोग के रस में सुख असुख लेने की लालसा होती है और प्रेम के रस में कुछ लेने की लालसा नहीं होती। तो जब कुछ लेने की लालसा नहीं होती तब प्रेम का रस कैसे दिया जा सकता है कि आप विचार करें और गंभीरता से विचार करें कि जब आपको अपने प्रिय की स्मृति आती है अथवा जब आप ये सुनते हैं
कि हमारा प्रेमास्पद हमारा प्रेमी हमारा स्मरण करता है या हमारे प्रेमास्पद को हमारी स्मृति आती है, तो अपनी स्मृति की बात सुनकर के क्या हमारे आपके हृदय में एक रस की वृद्धि नहीं होती? ये बात प्रत्येक भाई को माननी पड़ेगी, प्रत्येक बहन को माननी पड़ेगी कि जब वो ये सुनता है कि कोई हमारा प्यारा है और उसे हमारी याद आती है तो उससे बारस आता है, उसे बारस आता है। तो भाई जो समर्थ प्रेमास्पद है, जब जब उसकी स्मृति हमारे जीवन में रहेगी तब बताइए उसे रस मिलेगा कि नहीं। ये बात मानना ही पड़ेगा कि जो समर्थ है उसको रस कब मिलता है? जब उसकी मधुर स्मृति अखंड रूप से बनी रहे। और उसको रस कब मिलता है? कि जब उसके मन की बात पूरी हो, उसके मन की बात पूरी हो। अब उसके मन में अच्छी बात है बुरी बात है इस बात का विचार प्रेमी को कभी नहीं होता। प्रेमी के जीवन में तो केवल यही बात रहती है कि भाई प्रेमास्पद के मन में जो हो सो हो। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखिए, प्रेमास्पद हो कौन सकता है? प्रेम का रस कौन चख सकता है? प्रेम का रस भोगी नहीं चख सकता, भोगी प्रेमास्पद नहीं हो सकता। क्यों? जो कुछ भी चाहता है उसको प्रेम नहीं चाहिए, प्रेम उसी को चाहिए जो भोग और मोक्ष की लालसा से रहित हो। और जो भोग की लालसा से रहित है, जो भोग की लालसा से रहित है वो व्यक्ति नहीं हो सकता, वो व्यक्ति नहीं हो सकता। जो मोक्ष की लालसा से रहित है वो व्यक्ति नहीं हो सकता। इससे ये स्पष्ट सिद्ध होता है कि जो अनंत है, जो अपार है, जो अखंड है, जो सभी का सब कुछ है, सच पूछिए तो वही प्रेमास्पद है। ये तो दूसरी बात है कि उसी के नाते सभी की सेवा की जाए, सभी का आदर किया जाए, सभी को प्रेम किया जाए, ये दूसरी बात है। लेकिन प्रेमास्पद कौन है? भाई प्रेमास्पद तो वही होगा कि प्रेम जिसकी खुराक हो, प्रेम जिसका की मांग हो। और प्रेम किसकी मांग है? कि जिसकी मांग न भोग है न योग है न ध्यान है। क्यों? भोग की मांग जिसमें है उसमें प्रेम की मांग नहीं हो सकती, योग की मांग जिसमें है उसमें प्रेम की मांग नहीं हो सकती, ज्ञान की मांग जिसमें है उसमें प्रेम की मांग नहीं हो सकती। क्यों भाई? क्यों नहीं हो सकती? कि योग की मांग चिर शांति प्रदान करती है और भाई ज्ञान की मांग अमर बनाती है। तो जिसे अमर होना है, जिसे चिर शांति में निवास करना है, भला बताइए वो प्रेमी कैसे हो सकता है? क्या इसका आती है कि प्रेमी भोगी होता है कि नहीं? भाई भोगी नहीं होता, होता तो परम योगी है, परम योग के रस में आसक्त नहीं होता। तो क्या प्रेमी अज्ञानी होता है कि प्रेमी अज्ञानी नहीं होता? प्रेमी तो महान तत्व होता है परंतु ज्ञान के रस में आबद्ध नहीं होता। अब आप कहेंगे कि योग का रस, ज्ञान का रस और प्रेम का रस, इसमें क्या अंतर है? कि भाई योग का रस जो है वो शांत रस है, शांत रस है, और ज्ञान का रस जो है वो अखंड रस है, और प्रेम का जो रस है वो शांत भी है, अखंड भी है, अनंत भी है। तो भाई प्रेम का रस अनंत रस है, प्रेम के रस में, ज्ञान के रस में, योग के रस में स्वरूप का भेद नहीं है, जाति का भेद नहीं है, लेकिन सीमा का भेद है, सीमा का भेद है। प्रेम का जो रस है वो असीम और अनंत है, असीम और अनंत है, और ज्ञान का जो रस है वो असीम और अखंड है, और योग का जो रस है वो असीम और शांत है। शांत रस में दुख की निवृत्ति है, राग की निवृत्ति है, शांत रस में राग और दुख की निवृत्ति है। लेकिन अगर कोई शांति के रस में संतुष्ट हो जाए, शांति के रस में संतुष्ट हो जाए, तो शांति के रस में संतुष्ट प्राणी अमरत्व की बात नहीं जान पाएगा। और अगर कोई अमरत्व के रस में संतुष्ट हो जाए तो प्रेम में जो अगाध अनंत नित्यनव रस है उससे वंचित हो जाएगा। अंतर क्या है? जरा सोचिए शांत रस में चित्त का निरोध है, चित्त की शुद्धि है, और ज्ञान के रस में चित्त का बाध है, चित्त से अखंडता है, और प्रेम के रस में चित्त अपने पास नहीं रहता, अर्थात योगी का मन शांत और शुद्ध हो जाता है और ज्ञानी का मन ज्ञानी अपने मन से अखंड हो जाता है, अथवा यूं कहो कि ज्ञान से मन का नाश हो जाता है। लेकिन प्रेमी का मन प्रेमास्पद के पास रहता है। प्रेमी वही है कि जिसका मन प्रेमास्पद के पास हो। तो हमारा प्रेमास्पद कहता है कि सब प्रकार से पूर्ण है, अनंत
अनंत है, अपार है, अखंड है। तो जब हमारा मन उस प्रेमास्पद के पास चला जाएगा तो प्रेमास्पद का मन कैसा होगा कि आप काम होगा, आप काम होगा। इससे तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला कि प्रेमी तो हो जाता है अचार है? और प्रेमास्पद में उत्पन्न होती है चार, यानी जो पूर्ण है उसमें तो चार उत्पन्न होती है और जो अपूर्ण था बोले वो चार हो जाता है। इसका क्या ये अर्थ है कि प्रेमी में किसी प्रकार की प्रेमास्पद में किसी प्रकार की कमी आ जाती है? क्योंकि प्रेमास्पद में किसी प्रकार की कमी नहीं आ जाती, कमी नहीं आ जाती। ये प्रेम का स्वभाव ही है, ये प्रेम का स्वभाव ही है कि प्रेम प्रेमास्पद को प्रेमी के अधीन कर देता है। क्यों अधीन कर देता है? कि प्रेमी अपने पास अपना मन नहीं रखता, प्रेमी में अपने करके कोई वस्तु नहीं होती। तो भाई जहाँ अपने करके कोई वस्तु नहीं है वहाँ प्रेमास्पद कैसे विमुख हो सकता है, कैसे उससे अलग रह सकता है, कैसे उनके बिना रह सकता है? प्रेमास्पद प्रेमी के मन को लेकर, प्रेमी के मन को लेकर अपने प्रेमियों का चिंतन करता है, प्रेमियों के लिए व्याकुल होता है। तभी तो श्याम सुंदर श्री उद्धव जी से कहते हैं कि भैया उद्धव, भैया उद्धव, जब से ब्रज छोड़ा है किसी ने माखन रोटी नहीं दी, किसी ने दूध के झाग नहीं खिलाए, किसी ने कन्हैया कन्हैया करके नहीं पुकारा, किसी ने गुंजा की माला नहीं पहनाई। ये किसका मन है? ये मैया यशोदा का मन है। तो मैया यशोदा के मन को लेकर के कन्हैया ब्रजवासियों के विरह में व्याकुल है और कन्हैया के मन को लेकर ब्रजवासी आप्त काम है, आत्म राम है, नित्य मुक्त है। परंतु नित्य मुक्त होने पर भी, आप्त काम होने पर भी, आत्म राम होने पर भी कन्हैया की विस्मृति नहीं है, कन्हैया की विस्मृति नहीं है। तो मेरे भाई ये जो प्रेम का साम्राज्य है, इस प्रेम के साम्राज्य में, प्रेम के साम्राज्य में नित्य नव रस है, अगर अनंत रस है। परंतु ये रहस्य कब समझ में आता है, ये रहस्य कब समझ में आता है कि जब प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश हो। और प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश कब होता है भाई? प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश कब होता है कि जब साधक प्रेम आस्पद के अस्तित्व को निस्संदेहता पूर्वक स्वीकार कर ले। यही प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश होने का उपाय है। हमारे प्रेम आस्पद है, हमारे प्रेम आस्पद है और वो हमारे अपने ही है। आप सोचिए कि प्रार्थना का जो सबसे पहला वाक्य है उसमें यही है, मेरे नाथ, मेरे नाथ। यानी मेरे नाथ का अर्थ क्या है कि कोई और मेरा नहीं है और मैं अनाथ नहीं हूँ, न तो मैं अनाथ हूँ और न कोई और मेरा है। बोले ये हाथ भी मेरा नहीं है, ये तन भी मेरा नहीं है, ये प्राण भी मेरा नहीं है, ये बुद्धि भी मेरी नहीं है, ये मन भी मेरा नहीं है, ये सब कुछ तेरा है और तू केवल मेरा है। भाई यही प्रेम की प्राप्ति का सुगम उपाय है कि कोई और अपना है नहीं। अब आप विचार करो कि जब कोई और अपना है नहीं तो किसी वस्तु से संबंध रहेगा? आपको मानना पड़ेगा नहीं रहेगा। लेकिन क्या वस्तु नहीं रहेगी? ये मानना पड़ेगा कि वस्तु रहेगी पर उससे संबंध नहीं रहेगा। वस्तु रहे और उससे संबंध न रहे क्या हो जाएगा? कि वस्तु के संबंध से जो लोभ मोह काम आदि जो विकार उत्पन्न हो गया था वो विकार नाश हो जाएगा वस्तु से संबंध विच्छेद होते ही। कहने का मेरा तात्पर्य था कि भाई भाई जब हमारा संबंध अपने प्रेमास्पद से हो गया तब किसी और से रहा नहीं,